बुनकरों और सिलाई करने वालों की जिंदगी पर एक मेनस्ट्रीम ड्रामा पर्दे को रोशनी देने के लिए तैयार है और वो है फिल्म सुई धागा। फिल्म सुई धागा का ट्रेलर मुंबई के यशराज स्टूडियो में जब लॉन्च हुआ तो स्टेज से लेकर माहौल तक सभी सुई धागा की थीम में डूबे नजर आए। इस दौरान ईटीवी ने फिल्म के डायरेक्टर से पहला सवाल ये किया कि फिल्म जब रियल लोकेशन पर शूट हुई है तो क्या हमें असली बुनकर या फिर लोकल कलाकार फिल्म में नजर आएंगे, तो सुनिए शरद कटारिया ने इसका क्या जवाब दिया। नहीं, असल सिलाई करने वाले लोग नजर आएंगे लेकिन वो प्रोमिनेंस नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि फिल्म की कहानी कुछ और है। और हाँ, वहाँ पर वो लोकेशन काफ़ी कैरेक्टर ऐड करती है फिल्म के अंदर, और एक जो रियलिज्म, जिसको मतलब रियल चीज़ों को बनाने की कोशिश होती है, उसमें बहुत हेल्प करती है। अक्सर क्या होता है फिल्में, इवन गरीब कहानी, गरीब लोगों की कहानी भी सेट पे शूट होती है तो दीवारें पता लगता है कि वो लकड़ी की हैं, तो वो बहुत खटकता है देखते हुए फिल्म तो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है व्हेन दे आर, दैट्स व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप रियल लोकेशन पे खड़े होते हैं तो मतलब वो कमरा छोटा होता है, हम लोगों के लिए मुश्किल होता है शूट करना, लेकिन वो एक एटमोसफेयर वो बहुत हेल्प करता है सब लोगों को इम्बाइब करने में, एंड टू अस ऑल्सो, कि कहीं भी हम गलत नहीं जाते। वहीं वरुण धवन ने बताया कि जब हम एक असल फैक्ट्री में शूट कर रहे थे तो वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग भी शूट में मौजूद थे, जो काफी नेचुरल था। फैक्ट्री में एक्चुअली हम लोग ने शूट किया था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ के जो लोग थे जो फैक्ट्री में शूट करते थे, दे आर ओनली इन द फिल्म। एक मैनेजर या किसी, ही इज इवन इन द फिल्म, शरद ने उनको ही एक्टिंग करा दिया था और बोला था बहुत रियल कर रहा है ना, वो इधर से ही तो काम करता है। अनुष्का से जब ईटीवी ने पूछा कि ये किरदार उनके लिए कितना गहराई वाला रहा, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब काफी ढंग से दिया। हालांकि एक शब्द को लेकर वो पत्रकारों के सवालों से घिरी रही। ये बात सबके दिल में होपफुली बसेगी जब लोग ये पिक्चर देखेंगे। जो न्यूएंसेस है इस फिल्म के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म, इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे है, वो भी है, बट जो सटल लेयर्स है पिक्चर में, जो राइटिंग में है, जो डायरेक्शन में है, जो कैरेक्टराइजेशन में डाली गई है, वो चीज़ें इतनी स्पेशल है कि आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट मिलेगा इनटू बहुत भयंकर बुक लगी तो बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा इनटू दीज कैरेक्टर्स, इनटू देयर स्ट्रगल। अनुष्का से जब एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि क्या उन्हें इस किरदार को निभाकर फिर असल जिंदगी में हाउसवाइफ बनने में मदद मिली, तो अनुष्का ने इस सवाल से किनारा करने की जगह बड़े मजेदार ढंग से उसको फिल्म से जोड़ लिया। आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज हुई थी इस फिल्म के दौरान, जो मैंने शरद को बोला भी था कि जितना मैं लाइफ में आज तक डोमेस्टिकेट नहीं हुई हूँ, बिकॉज मैं 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी, एंड आई एम वर्किंग नाउ, आई हैव गॉटन मैरिड, आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क, बट जो डोमेस्टिक नेचर मुझे शरद ने दिया, जो फीलिंग मुझे शरद ने दी, जो एक शादी करके घर में होने की फीलिंग, आफ्टर गेटिंग मैरिड इट्स लाइक वी लाइक आई डोंट इवन गेट टू स्पेंड दैट मच टाइम विद, यू नो, विद माई हस्बैंड, बट द फैक्ट दैट इस फिल्म में to stay in that world, to stay in that domestic setup, to be in the kitchen, मुझे बहुत ही अच्छा एक घरेलू एटमॉस्फेयर जीने को मिला, so thanks शरद। वैसे ये ट्रेलर लॉन्च रहा काफी हैपनिंग। अनुष्का को BCCI की गाइडलाइंस और हालिया ट्रोलिंग के शिकार हुई उनकी तस्वीर को लेकर भी कई सवाल किए गए। वैसे फिल्म का ट्रेलर सभी को पसंद आ रहा है और उम्मीद है कि वरुण और अनुष्का की ये फिल्म लोगों का दिल जीते। मुंबई से ETV इनाडू इंडिया